नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकवार्ता न्यूज। हमारी खबरें देखने के साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार ने उसकी चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा में भाजपा की जीत ने यहां कांग्रेस को अपनी रणनीति पर दोबारा मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि कांग्रेस हरियाणा में मिली हार का राजस्थान में कोई प्रभाव मानने से इनकार कर रही है, लेकिन अंदर खाने इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगी है। राजस्थान में आने वाले दिनों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वहीं उपचुनावों की तैयारियों में भाजपा आगे निकलने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी रणनीति पर फिर से विचार कर रही है। राजस्थान में उपचुनावों की सियासत धीरे धीरे गर्माती जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय उत्साहित हो रही कांग्रेस परिणाम के बाद शांत नजर आ रही है। वो फिर से अपनी रणनीति पर विचार करने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते कांग्रेस राजस्थान में फूंक फूंक कर कदम रखना चाह रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि राजस्थान में जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 4 सीटें कांग्रेस के पास थी। इन उपचुनाव में भाजपा के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद उसे ज्यादा पाने की उम्मीद पड़ गई है। वहीं कांग्रेस को पाने के बजाय खोने का डर सताने लगा है। राजस्थान में उपचुनाव का इतिहास रहा है कि दोनों ही पार्टियां इसमें इमोशनल कार्ड खेलती हैं और वो चल भी जाता है। दोनों ही पार्टियों की कोशिश रहती है कि उपचुनाव में पुराने विधायक के परिजन को ही टिकट थमाकर इमोशनल कार्ड खेलें और चुनावी नैया पार कर लें। उनकी ये कोशिश कामयाब भी रही और फिर से उस सीट पर काबिज हो जाती है। इस बार 5 सीटों पर मामला कुछ उल्टा है, क्योंकि राजस्थान में खाली हुई 7 में से 2 सीटें ऐसी हैं जहां इमोशनल कार्ड चल सकता है। इनमें से अलवर के रामगढ़ और दूसरी सलंबर विधानसभा सीट है। रामगढ़ विधायक जुबेर खान और सलंबर विधायक अमृतलाल मीणा का पिछले दिनों बीमारी के कारण निधन हो गया, लिहाजा दोनों ही पार्टियां इन सीटों पर इमोशनल कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है। वहीं बाकी बची 5 सीटें झुंझुनू, दौसा, खीमसा, चौरासी और देवली उनियारा के विधायक लोकसभा चुनाव में सांसद बन गए, जिसके चलते ये सीटें खाली हुई हैं। लिहाजा वहाँ इमोशनल कार्ड खेलने के बजाय मजबूत रणनीति ही काम आएगी। इनमें से 84 जहाँ भारत आदिवासी पार्टी के पास थी, वहीं खीमसर आरएलपी के पास थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी और आरएलपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई थी, लेकिन वह समझौता इन उपचुनाव में जारी रहेगा या नहीं, इस पर अब तक कांग्रेस समेत तीनों पार्टियों ने चुप्पी साध रखी है। बदले हालात में अब कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हमारी खबर को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।